सुहाई एक बार फिर लामबंद हो गया है। अटल यूनिवर्सिटी का छात्र संगठन में घेराव किया है। अलग अलग कई मुद्दे हैं, मांग है, जिसको लेकर जो एन एस सुहाई के तमाम जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो यहां पर यूनिवर्सिटी घेरने पहुंचे हुए हैं। लगातार वो यूनिवर्सिटी प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। 5 सूत्री इनकी मांगे हैं, जिसको लेकर इनका यहां पर प्रदर्शन हो रहा है। जिस तरह से लगातार शिक्षा में अव्यवस्था की वजह से जो छात्र की जो शिक्षा प्रभावित हो रही है, उसको लेकर उनका जो आंदोलन है यहाँ पर हो रहा है। और सीधे हम बात करते हैं छात्र नेताओं से ही, क्या कुछ इनकी मांगे हैं, क्या कुछ प्रमुख मांगे हैं आप लोगों की, जिसको लेकर आप लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं छोटी जी। लगातार एनएसवाई छात्र हितों में काम करते आ रही है और हमारी लगातार मांग चल रही थी कि जो शिक्षा की गुणवत्ता है वो लगातार गिर रही है, उसमें सुधार की जाए। तो जिनमें हम आज 5 सूत्री मांग को लेकर आए हैं, जिसमें हमारे प्रमुख मुद्दे हैं कि पहला ये है कि विश्वविद्यालय अटल बिहारी से जितने संबंधित महाविद्यालय उसमें गुणवत्ता वाले शिक्षक जो UGC के गाइडलाइन के अनुसार धारा 28 के तहत आते हैं उनकी नियुक्ति हो, और अगर कोई महाविद्यालय ऐसा नहीं करती है, विश्वविद्यालय के अनुशासन की अवहेलना करती है, तो उन पर उचित कार्रवाई होनी चाहिए, पेनल्टी होनी चाहिए। हमारी दूसरी मांग यह थी कि 2012 से हमारा अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय नियुक्त हुआ है, लेकिन PhD की भर्ती सिर्फ एक बार हुई है यहाँ। तो हम ये चाहते थे कि PhD की भर्ती तुरंत प्रारंभ हो और हमारे विश्वविद्यालय में PhD के बच्चों को फेलोशिप नहीं मिलता है, तो फेलोशिप दिया जाना चाहिए। और हमारी तीसरी मांग ये थी कि जितने संबंधित महाविद्यालय लगातार खराब परिणाम आ रहे हैं, लगातार अनदेखा करके जांचा जा रहा है, आंख बंद करके चेकर जांच रहे हैं, उन सभी पे कार्रवाई हो, उन पे, ताकि एक बार कार्रवाई होगा तो उन लोग गंभीरता से लेंगे। बच्चे को एक नंबर के लिए फेल कर दिया जाता है, लेकिन लापरवाही करने वाले शिक्षक और महाविद्यालय पे कोई कार्रवाई नहीं होती है। हमारी तीसरी मांग ये थी, चौथी मांग हमारी ये थी कि जितने भी महाविद्यालय उसमें CCTV कैमरे अनिवार्य किया जाए, ताकि विश्वविद्यालय मॉनिटरिंग कर पाए कि उसमें शिक्षक आ रहे हैं कि नहीं, क्लासेस हो रही है कि नहीं। इसके लिए हमारी पांचवी मांग यह थी कि एक जो निरीक्षण कमेटी है उसकी गठन की जाए, ताकि वो लगातार जाके महाविद्यालय का निरीक्षण कर सके। जो इन लोग नॉन अटेंडेंस के नाम में BEd में DEd में लूट मचा के रखे हैं, छात्र को आओ मत आओ करके उनको उनसे मोटी फीस वसूली जाती है, उस पर लगाम लगे। और हमारी इसी में एक मांग यह थी कि एक हेल्पलाइन नंबर जारी की जाए, जिसमें एक हेल्पलाइन नंबर जारी की जाए जिसमें उनकी पहचान गोपनीय रखी जाए और वो शिक्षा से संबंधित कुछ भी सुझाव हो उसको भी विश्वविद्यालय डायरेक्ट दे सके। आगे आप लोग अगर मांगे पूरी नहीं होंगे तो किस तरह से आगे आंदोलन को बढ़ाएंगे? अगर आगे मांगनी होती है तो आज तो हम सैकड़ों की संख्या में संभाग के लोग ही आए हैं, आगे हम अपने प्रदेश अध्यक्ष नीरज पांडे जी के नेतृत्व में हजारों की संख्या में विश्वविद्यालय में तालाबंदी उग्र आंदोलन करेंगे। अभी का कोई आश्वासन मिला है प्रबंधन से, बात हुई आप लोग? जी, अभी आश्वासन मिला है कि बहुत ही महत्वपूर्ण और सराहनीय मुद्दे हैं और इसे बहुत जल्द कार्रवाई होगी। मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 महीने के अंदर सारी मांग पूरी हो जाएगी। बिल्कुल, यहाँ पर NSUI ने अल्टीमेटम दिया है यूनिवर्सिटी प्रबंधन को कि 5 सूत्री जो मांगे हैं उनकी जल्द से जल्द पूरी होनी, तो आगे वो उग्र आंदोलन के लिए बाध होंगे। कैमरामैन सतीश मिश्रा के साथ जितेंद्र थवाइत, IBC24 बिलासपुर।